नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं देव दीपावली का विशेष उत्सव संगम किनारे, जो संगम क्षेत्र है, संगम क्षेत्र से त्रिवेणी संगम का क्षेत्र है। और इस त्रिवेणी संगम के क्षेत्र में देव दीपावली का उत्सव आज मनाया जा रहा है। आप जैसा कि देख रहे हैं, अंधेरा हो चुका है और इस अंधेरे में जो रंगोलियां बनाने का कार्यक्रम है वो लगातार जारी है। और उन्हीं रंगोलियों के बीच लोग दीपों की एक श्रृंखला रख रहे हैं, लोग दीप रख के उसको प्रज्वलित कर रहे हैं और इस तरह से अपने अपने ढंग से इस देव दीपावली के उत्सव को मना रहे हैं, उत्सव को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर हर वर्ग के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ बड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। अंधेरा हो चुका है लेकिन लोगों का जो उत्साह है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। अभी भी लोग लगातार अपना जो कार्य है वो कर रहे हैं और उसी उत्साह के साथ लगे हुए हैं। हालांकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने दीपों को जला दिया है, बहुत सारे लोग अपना जो कार्य है वो खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कुछ लोग हैं उन्होंने अभी सजावट का कार्य जारी रखा हुआ है। भगवान श्री राम की एक अद्भुत छवि यहाँ पर बनाई गई है, आपको देखकर बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा। और बिल्कुल हूबहू जैसा कि कोई भी व्यक्ति कल्पना कर सकता है, मात्र जिस तरह से भगवान राम की छवि को बनाया गया है, यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल एक तापसी वेश है। तपस्वी के वेश में भगवान श्री राम दिख रहे हैं, धनुष और बाण लिए हुए हैं, खरकस है और ऊपर सिर में जटाएं हैं। बड़ा ही अनुपम दृश्य छठा है जो कि यहाँ पर भगवान श्री राम को आप देव दीपावली के दिन दर्शाया गया है। अपने आप में एक बड़ी कला है ये, और कला से ज़्यादा ये समर्पण का भाव है, क्योंकि कई घंटे की ये कोशिश है, कई घंटे का प्रयास है और उस प्रयास के बीच में जो सभी को देव दीपावली की शुभकामनाएं, और ये जो लोग हैं ये देव दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। प्रयागराज के संगम क्षेत्र में आज देव दीपावली का उत्सव जो मनाया जा रहा है, इसने यहाँ पर चहलकदमी को बढ़ा दिया है। चारों तरफ लोगों का हुजूम देखा जा रहा है, चारों तरफ चहल पहल है, लोग अपने अपने ढंग से रंगोलियां सजा रहे हैं और रंगोलियों में दीपक को रखकर देव दीपावली का उत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ढंग से रंगोली सजाई हुई है, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत ढंग से दीपक सजाया गया है, रंगोली सजाई गई है और दीपक रखा गया है। तो ये बात करते हैं कुछ लोगों से और जानते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस देव दीपावली के उत्सव में आकर कैसा महसूस हो रहा है। कहाँ से आते हैं सर आप? हम राजस्थान सालासर से आए हैं। राजस्थान सालासर से, डिस्ट्रिक्ट चूरू जी। और यहाँ 12 मार्च का स्नान करने के लिए आते हैं। आज पहली बार दीपावली का ये महोत्सव देखने को मिला। तो कार्तिक मास में जो यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है पूर्णिमा के दिन हम स्नान करने के लिए आते हैं। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए राजस्थान से प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज आते हैं प्रयागराज आते हैं 12 मास हाँ स्नाने के लिए जी। राजस्थान सीकर से विशेष रूप से नहाने के लिए आते हैं। आज हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग दीपावली पर आया है, दिवाली का दर्शन करने 12 मास दीपावली मनाने आया। ये जो दादी है ये आई हुई है राजस्थान से और सीकर जिले से, सीकर जिले से, राजस्थान के सीकर जिले से आई हुई है। 12 मास स्नान करने आती है हर पूर्णमासी को। तो ये सभी लोग जो भी आपको भक्त दिख रहे हैं ये राजस्थान के सीकर जिले के हैं, कुछ चूरू जिले के हैं और हर मास की पूर्णमासी को स्नान करने के लिए यहाँ पर आते हैं और उसी क्रम में लोग आए हुए थे। और आज चूंकि पूर्णिमा है और पूर्णिमा में यहाँ पर रुकना अपने आप में सौभाग्य से कम नहीं है और उसी सौभाग्य का हिस्सा बने हैं और बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा है सर? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, आनंद आ गया, हमको स्वर्ग महसूस हो रहा है साहब।
तो बड़ा ही अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पर आके, और बड़ी ही खुशी, बड़ा ही उत्साह दिख रहा है। ये वो भक्त हैं जो काफी दूर दराज से यहाँ पर आकर और इस देव दीपावली का हिस्सा बने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इस विशेष पर्व का आनंद ले रहे होंगे हमारे साथ, आप भी खुशियों को शेयर कर रहे होंगे। मिलता हूँ फिर से, तब तक के लिए जय हिंद।